मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। ऐसे में सीमा हैदर इस आजादी के जश्न में शरीक न होती, ऐसा कैसे संभव था? आज सीमा हैदर के बच्चे भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सीमा हैदर के चारों बच्चे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने पहुंचे थे। बच्चों ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान में भी शामिल हुए। सीमा हैदर के बच्चे तिरंगे के रंगों में रंगे नजर आए। साथ ही जब सीमा हैदर के चारों बच्चे स्कूल के बाकी बच्चों के साथ बैठे थे तो वो काफी खुश नजर आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमा को भारत की नागरिकता तो मिली नहीं, तो फिर उसके बच्चे स्कूल कैसे पहुंच गए? दरअसल उन बच्चों का स्कूल में अभी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में बच्चों को स्कूल में झंडा फहराने के लिए स्कूल प्रबंधक घर से अपने साथ ले गए थे, ताकि वो बच्चे भी और बच्चों की तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना सकें। दरअसल सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल ने चारों बच्चों के एडमिशन को लेकर स्कूल प्रबंधन से मांग की थी, लेकिन प्रबंधन का कहना था कि जब तक सीमा हैदर और उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती, तब तक स्कूल में एडमिशन करवाना संभव नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी और भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी, तब बच्चों का स्कूल में एडमिशन किया जा सकता है। बता दें कि सीमा हैदर ने 13 तारीख को भी हर घर झंडा अभियान के तहत अपने घर की छत पर झंडा लगाया था। उस कार्यक्रम में भी सीमा ने अपने बच्चों और सचिन के साथ हिस्सा लिया था। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।